कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नमो नारायण मीणा की एक वीडियो के वायरल होने के बाद जिनके सियासी अपमान की बात कही जा रही है, उस सियासी अपमान पर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा है। चली गई गाड़ी, खड़े रह गए नमो नारायण मीणा। साथ बैठने की लगाई गुहार, उन्होंने छोड़ दिया अकेला। किसी ने देखा नहीं या जानबूझकर किया अपमान। सियासी अपमान पर अब प्रदेश की सियासत गर्म। और समय पर इसने इसका अपमान का बदला ये ले या न ले नमो नारायण जी, हम जरूर लेंगे। न तो उनको नमो नारायण जी दिख रहे, न उनको करोड़लाल जी दिख रहे, और न उनको सचिन पायलट दिख रहा। उनको पता नहीं क्या दिख रहा आजकल। जो वीडियो आप देख रहे हैं वो है तो 24 नवंबर का, लेकिन इस वीडियो पर सियासत इसके वायरल होने के बाद गर्म हुई है। इस वीडियो पर सियासत की बात बताएंगे, पहले इस वीडियो का पूरा सच जान लीजिए। सीएम अशोक गहलोत सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के दौरे पर आए थे। गंगापुर सिटी के सरकारी स्कूल परिसर में सीएम का हेलीकॉप्टर उतरा था। सीएम का काफिला स्कूल से जनसभा स्थल के लिए रवाना हो रहा था। नमो नारायण मीणा जिस गाड़ी से गए थे वो वहां से दूर पार्किंग में खड़ी थी। नमो नारायण मीणा किसी और गाड़ी से अपनी गाड़ी तक जाना चाहते थे। नमो नारायण मीणा ने 3 गाड़ियों में बैठने की कोशिश की, लेकिन किसी ने बैठने नहीं दिया। कई मंत्रियों और विधायकों ने उन्हें नजरअंदाज किया और नमो नारायण मीणा वहीं खड़े रह गए। मंत्री प्रसादी लाल मीणा, भजन लाल जाटव, रामकेश मीणा, दानिश अबरार और इंदिरा मीणा ने किया दरकिनार। आपको बता दें, 2 बार लोकसभा सांसद रहे हैं नमो नारायण मीणा। UPA 1 और UPA 2 सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। राजनीति में आने से पहले IPS अधिकारी थे नमो नारायण मीणा। एक वरिष्ठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री और बुजुर्ग नेता को इस तरह से गाड़ी में नहीं बैठने देना साफ तौर पर उनका सियासी अपमान है। लेकिन खास बात यह है कि इस अपमान को लेकर नमो नारायण मीणा ने अभी तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद सियासी अपमान की ये बात भी दबी रह जाती, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद से प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में प्रदेश सरकार में मंत्री मुरारीलाल मीणा ने चुटकी लेते हुए कहा कि आजकल पता नहीं कोई किसी को दिखाई क्यों नहीं देता। न सचिन पायलट नजर आते हैं, न नमो नारायण मीणा। प्रसाद लाल जी हमारे सम्मान्य नेता हैं, आजकल पता नहीं उनको क्या हो रहा है। न तो उनको नमो नारायण जी दिख रहे, न उनको करोड़लाल जी दिख रहे, और न उनको सचिन पायलट दिख रहा। उनको पता नहीं क्या दिख रहा आजकल। इस वीडियो के वायरल होने के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी नमो नारायण मीणा से मिलने उनके घर पहुंचे। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि 10 साल तक केंद्र में मंत्री रहने वाले नेता के इस अपमान का बदला वो जरूर लेंगे। मैंने उनको कहा है कि ये अपमान ना मैं सहन कर पा रहा हूँ, ना इलाका सहन कर पा रहा है। सब लोग इस बात से व्यथित हैं और ये भावना आम जन में बन गई है कि जो कांग्रेस में मंत्री बन गए वो मीणा नेता जो वहाँ पर थे, जो MLA बन गए हैं उनके मैं नाम नहीं बनाना चाहता, जो इनकी मेहरबानी से भी बने एक दो, वो इतने बड़े आदमी का अपमान करें वह असहनीय है। उसको सहन नहीं किया जा सकता और समय पर इसने इसका अपमान का बदला ये ले या न ले नमो नारायण जी, हम जरूर लेंगे। जिन विधायक और मंत्रियों ने नमो नारायण मीणा को अपनी गाड़ी में बैठने से मना किया उनमें से कई ऐसे हैं जो कुछ साल पहले तक उनकी नजदीकी के लिए तरसते थे, लेकिन वक्त बदलते ही उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। वैसे भी सियासत का नियम है, वक्त और इंसानों के बदलने में देर नहीं लगती। आशीष कुमार शर्मा, News 18, राजस्थान, दौसा। और अब देख लेते हैं टॉप 10 पिंक सिटी।